जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आप सबने मैं कहूँ वैकुंठ चौदस की कार्तिक महीने की कहानी। तो वैकुंठ चौदस के दिन बोर्ड की पूजा का विधि विधान तो आपने बताया ही हूँ। तो बोल्ड की पूजा करने के बाद के मायने आप सुननी एक वैकुंठ चौदस की भी बोल्ड के नीचे बैठ कहानी। और कोई साथ वाली पूजा कर वाली नहीं हुए, अकेली रहे तो घर आ सुन लियो ना। एक बुढ़िया ही तो वह बुढ़िया है जो कि पड़ोसन ने कियो कि भाई मैं आज की गंगा स्नान में जाऊं और कार्तिक को महीने है तो गंगा पूज कर स्नान कर रहा हूँ तीर्था में। तो भी कि एक गाय ही भी गाय ने एक बछड़ी ही भी गाय की मतलब बच्ची ही घेरी। तो भी घेरी को नाम रख दो बछड़ी को ऊर्णी और कपूरनी लाड के मायने। आपने ध्यान है पहले आप बेटे बेटी की तरह जान भर न पालता तो भी का नाम रखता। तो भी बछड़ी को ना हो ओरनी कपूरनी। तो बाकी भाई मैं स्नान करने जाऊं तीर्थ में, तुम्हारी ऊर्णी को ध्यान रखीजिए। तो पड़ोसनी बड़े चाहूँ क्योंकि ठीक है। तो बात बूढ़ी है जो कि दादी माँ आपके स्नान के लिए चली गई गंगा स्नान के लिए। तो पड़ोसन है जो कि भी ऊर्णी को पूरा ध्यान रख दी भी कि एक टुकड़ो पानी को भर रख देती और नीरनी गाड़ देती। तो वह ऊर्णी है जो कि पूरे दिन नीरनी खाती और पानी पीती और आराम ठंडी सी हम सूती रहती। तो एक दिन पड़ोसन कहीं हुई हो कि जल्दबाजी के मायने एक टुकड़ो पर पानी को तो रख दियो, वह नीरनी रखनी भूल गई, वह नीरनी दूर रहेगी। तो वह ऊर्णी है ऊर्णी कपूरनी है वह तुड़ाव कर कर खूंटे घनोरे। भी दिन हो वैकुंठ चौदस को दिन मतलब चौदस ही कार्तिक के महीने की। तो भी इनके वैकुंठ चौदस तो वह ऊर्णी है जी की तुड़ाव करियो तो तुड़ाव की बजे हूँ भी को पग मुड़ियो और भी टुकड़े माँ छोटी बच्ची तो भी पानी में गिर गई। पानी में गिरने के बाद बच्ची है जी की मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो कुछ पड़ोसन के मन के मायन आई कि मैं नीर नहीं रखकर गोना बाप भाग संभालने गई। तो अतने मायने बा ऊर्णी है जी की भी का प्राण गया परा और सीधी वैकुंठ धाम के माँ चली गई। क्योंकि वैकुंठ चौदस के दिन और काती चाहे कोई इशर जावे तो कोई नहावे कोई कौन नहावे मजबूरी में। वैकुंठ चौदस के दिन अगर जल्दी उठ नहाइए हुए और बोल्ड की पूजा करे हुए तो अभी निषिद्धि वैकुंठ प्राप्ति हुए। तो वह ऊर्णी है जो कि कद नहीं देखो मन भाभी दिन वैकुंठ चौदस के दिन बा पानी माँ ने भूल भरोसे पड़ गई और भूखी रहेगी। तो वो हो क्यों भी गए कार्तिक महीने को भरत। तो वैकुंठ चौदस के दिन भरत भी जरूर रखना चाहिए, उसके देकर भोजन करो और नहीं हुए तो मत करो। तो वह ऊर्णी है जो कि वैकुंठ के मायने पहुंच गई। तो वह पड़ोसन है जी की भी देह दिखार आपकी चली गई। तो थोड़ा सा दिन हुआ और वह बूढ़ी है जी की आई आर वह भागी भागी पहल पहुंची। पड़ोसन ने पूछो कि भाई मारी कपूरनी कट है। तो वह पड़ोसन है जी की सारा हाल बतावे कि भाई मैं नीरनी कौन रखी तुड़ाव कर कर वह टबड़े माँ ने डूब और मर गई। तो बूढ़िया कहे कि मैं वटपूस करके माँ ने मारी ऊर्णी है जी की ने वैकुंठ धाम का माँ ने दर्शन पाया हूँ। मारी ऊर्णी कपूरनी है जी की वैकुंठ पहुँच गई। तो आप वैकुंठ चौदस को व्रत करो, वैकुंठ चौदस के दिन जल्दी स्नान करो, बोल्डी की पूजा करो और बोल्डी की पूजा करते समय है अच्छा है जगह भी गए मस्त रह जो चढ़ाणु लाल ब्लाउज को पीस या पीलो या लाल गुलाबी साड़ी आपकी बहन बेटी देखियो चढ़ार भूडे भूडो पूर नहीं चढ़ाणु चाहिए देवी को रूप माने हर चीज ने। तो एक प्रकार है ऊर्णी कपूरनी की कहानी। तो ऊर्णी कपूरनी ऐसे कि वैकुंठ चौदस के दिन अपना प्राण त्याग दिया पानी में और वह वैकुंठ पहुंच गई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।